अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई, और नमस्कारम हमारे भानु पवार भाई, कैसे है आप लोगों? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वरहमतुल्लाह, आप लोगों की दुआ है। और फरमाइए सरकार, कैसे याद फरमाए? क्या हाल चाल है, खैरियत वगैरह सब? बस लगा फिक्र है, क्या बोल रही सियासत तांडूर की? अब तांडूर की सियासत तो उतनी तो कुछ नहीं दिख रहा अभी, एक्टिविटीज देखेंगे आगे आगे क्या क्या है। हाँ, अब एक जर्नलिस्ट होने के नाते अब हम एक के तरफ किसी एक के तरफ बात करना उतना ये नहीं है। मैं इसलिए आपसे तांडूर की सियासत पूछा, कांग्रेस की ने पूछा, बीजेपी की ने पूछा। अब ये देखा जाए तो अब बीआरएस का क्या है, टिकट सिर्फ एक के पास आके खड़ा है बोले, ऐसी बात है। दूसरा कांग्रेस का क्या है बोल के बोले तो अब गंदरगोलम है जी, इनको देते उनको देते, रोज एक आ रहे रोज एक का नाम आ रहा जी, इस तरह कोई डिक्लेरेशन नहीं है। अब रहा दूसरे पार्टियां, बीजेपी है, बीजेपी में भी जो है कुछ नामा सुनने में आए, जैसा कि एक मुरली गौड़ है, मुरली कृष्णा गौड़, और उसके बाद जो है अभी नया नया सुनने में आ रहा ये कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, अब इस तरह ये दो नाम। फिर ये सब क्या है, गंदरगोलम में है, फिर आगे आगे अब क्या होता है अभी, क्योंकि टाइम है तो उस बीच में देखा जाएगा। आपका क्या ख्याल है? एक तांडूर की आवाम जो है हीरे को फर्क ना जाए, हीरे को अच्छा, जो हीरा है उसका साथ देते हैं। मतलब कोई करोड़पति आएगा, अरबपति आएगा, अगर पैसे पे कोई भरम पे जीता तो आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अंबानी होता, अडानी होता। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम जैसा चाहती, तांडूर की आवाम भी वही चाहती। तांडूर की आवाम ऐसे आदमी को वोट देंगे जो तांडूर के अवाम का काम करेगा, दर्द को समझे, दर्द को समझेगा, उसका अच्छा बुरा जो देखेगा, बस तांडूर के अवाम उसको ही कामयाब बनेंगे। हम भी ये कोशिश करेंगे एक ऐसे कैंडिडेट को चुनकर लाओ जो हर किसी का ख्याल रखे। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि अब तक तांडूर में कितना डेवलप हुआ? अभी इससे पहले तो महेंद्र डी साहब थे, अब महेंद्र जी साहब के दौर में क्या क्या हुआ ये तो आपको मालूम है ना, इस बीच पे हाँ उसके उस टाइम पे भी आप भी कई धरनों में शामिल हुए डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए। अब रोहित रेड्डी साहब नए नए आए हुए हैं, उनको पाँच साल में एक दो तीन दो साल तीन साल एक दो साल कांग्रेस में चले गए, दो साल लॉकडाउन में चले गए, एक साल में उनसे जितना हो सका उतना काम कर रहे हैं। और बाकी वर्गालों का क्या ख्याल है? वर्गाल के वजह से तांडूर में बहुत ये है कि भाई कोई डेवलप, गली गली कोई भी डेवलप नहीं हुआ, वो उनके लड़ाई में ही टाइम पूरा खत्म हो गया। तो बताया तो इस बारे में क्या ख्याल है? वही तो बताया ना आपको, तो रोहित रेड्डी साहब को जो बोला ना मैं, कांग्रेस में कुछ साल गुजर गए, उसके बाद फिर लॉकडाउन में गुजर गए, अब जो काम स्टार्ट करे, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो अब आगे देखेंगे फिर क्या होता क्या नहीं, क्या क्या डेवलप करते, देख के काम करना है। राइट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई। भानु पवार साहब आप बोलिए। नहीं, तांडूर में कौन अच्छा काम कर रहे हैं? बंजारों का क्या ख्याल है कि अब वो कहाँ गए, तो डेवलपमेंट तो नहीं है तांडूर में, कहाँ देखे तो वही गड़े, वही पानी, वही रोड, वही मट्टी, वही गांव में से चलने से जा रहे हैं। तांडूर में, तांडूर कहाँ सी में कुछ भी काम ही नहीं हो ऐसा। क्या लोग पैसों के लिए, चीप लिकर के लिए, साड़ी ब्लाउजों के लिए वोट डालते बोलते? वोट कोई भी नहीं आते आजकल, पहले जमाने में था होगा, आजकल पढ़े लिखे से बच्चे हैं, सोच समझ के डालते वोट। हाँ, कोई भी ऐसा कोई भी कैंडिडेट आए उसको अंधे से मानना उनका ज़रूरी नहीं है। आजकल बच्चे भी बहुत होशियार हैं, अच्छे ग्रेजुएट पढ़े से टीचर हैं, एम्प्लॉइज से हमारे इसमें भी, पहले इससे पहले एक 20 साल के नीचे कुछ थे होंगे, आज के बच्चे बहुत होशियार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भानु पवार साहब।